Well, the Congress has got the Supreme Court mandate in its favor, but will they be able to get the numbers together? The man who was displaced as Chief Minister of Arunachal Pradesh, Kalikho Pul, now addressing the media. Let's listen in. अभी जो आपने क्वेश्चन किया मैं आपको बताता हूँ जो जजमेंट का आप ऑपरेटिव लास्ट वाला देख लीजिए नंबर वन जो क्वेश्चन किया है जो जजमेंट दिया है फर्स्ट प्रीपोनिंग ऑफ गवर्नर्स का ऑर्डर्स को सेट सेट किया है क्वेश्चन किया नंबर वन नंबर टू मैसेज जो गवर्नर ने दिया है उसको क्वेश्चन किया सेट सेट किया नंबर थ्री 15-16 का असेंबली का प्रोसीडिंग्स और उसमें जो प्रोसीडिंग्स में जो डिसीजन हुआ था उसको क्वेश्चन किया सेट किया तो लास्ट में जो दिया है नंबर वन टू थ्री को दे करके लास्ट में बोला है स्टेटस को एंटी देते इसका मतलब ये है कि प्रोसीडिंग्स में जो हुआ था स्पीकर को रिमूव किया था स्पीकर रिवाइव होता है फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए स्पीकर रिवाइव होता है चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते मैं इसलिए बोला क्योंकि चीफ मिनिस्टर का रिमूवल वो 15-16 असेंबली सेशन से नहीं हुआ है नंबर वन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि 16 को मेरे को हाउस ऑफ द लीडर चुना गया था मैं और लेना था वो लोग ने रास्ता बंद कर दिया तो हम लोग और नहीं ले सका तो फिर यहाँ कोर्ट में आ गया कि मैंने बेंच कर दिया हम लोग जुडिशरी को मानता है लॉ को मानता है हम लोग ने वेट किया 2 मंथ्स तक उसके बाद गुवाहाटी में केस आया तो गुवाहाटी में आफ्टर 2 मंथ्स के बाद जजमेंट दिया आपका 1 मंथ के बाद 13 जनवरी को वहाँ भी वो 15-16 का जो प्रोसीडिंग को वैलिड ठहराया स्पीकर का रिमूवल सीएम का रिमूवल को वैलिड ठहराया तो हम फिर और ले सकता था हम बन सकता था लेकिन वो लोग ने सेम डे सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर लिया तो हम ऑनरेबली हम लोग उसको रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग चार्ज नहीं लिया है हमने और नहीं लिया एज्यूम नहीं किया तो अभी आप देखो वो 13 गुवाहाटी हाई कोर्ट से भी सीएम आउट नहीं हुआ था उस समय असेंबली सेशन 15-16 से भी सीएम आउट नहीं हुआ था इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ और भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ तो प्रेसिडेंट रूल हुआ है पीआर वहां में मैंने इम्पोज हुआ प्रेसिडेंट रूल होने के बाद 26 जनवरी को प्रेसिडेंट रूल हुआ है 19 फरवरी को रिवोक हुआ है रिवोक होने के बाद मैंने लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां में तो हम लोग ने 32 मेंबर्स परेड करके गवर्नर का सामने परेड करके हम लोग ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए हम लोग ने अपील किया गवर्नर का सामने इसलिए हम लोग को 19 फरवरी को कॉल किया है और 10 डेज का हम लोग को टाइम दिया कि मेजोरिटी प्रूफ करो हाउस में हम लोग ने 7 डेज में प्रूफ किया तो वो प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन से तुकी साहब आउट हुआ सीएम नॉट बिकॉज ऑफ दैट 15-16 असेंबली प्रोसीडिंग नॉट बिकॉज ऑफ 13 गुवाहाटी हाईकोर्ट जजमेंट तो यहाँ वो मैंने रिवाइव नहीं हो सकता है लेकिन ये हम लोग फाइटिंग करते रहेगा तो फिर गलत होगा वो कि हम लोग उसको मान जाए चलो फ्लोर टेस्ट करो तो ये अभी फ्लोर टेस्ट आएगा वो जो भी डिसीजन होगा फ्लोर में होता है तो इसलिए फॉर्म लीगली बोलने से अभी भी हम सीएम है हमारा कैबिनेट है स्पीकर है क्योंकि उससे रिवाइव नहीं हो सकता है वो गवर्नमेंट रिवाइव नहीं हो सकता स्पीकर रिवाइव हो सकता है फॉर श्योर पीरियड सो वन थिंग after Uttarakhand now Arunachal do you think that there is a clash between legislative and judicial in the democracy वो हमने कमेंट करेगा क्योंकि वो जुडिशरी और इसका एग्जीक्यूटिव का बात है तो वो एक्सपर्ट्स लोग उसमें व्यू देंगे अपने There is no chance of change in this one party and loyalty because now we are binding with the PPA now we are legally PPA member so we cannot ship again to Congress so for that again 2/3 is required to ship any other party look so the number will remain fixed. yeah we are whole 30 members are here only look the question which you have put forward is very valid this has been the inherent problem of any political parties when formation takes place like this
regarding change of allegations, challenges. The question here is very, you know, hypothetical, I should say. And no hypothetical question can be answered. But as far as we are concerned, on behalf of Honorable Chief Minister, we can say that our group has been always intact and today also is intact. There is no question of any change of our loyalty.